आज ही के दिन 1980 में इंदिरा गांधी के छोटे बेटे और भारतीय नेता संजय गांधी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। अपनी तेज तर्रार शैली और दृढ़ निश्चय सोच की वजह से संजय ने अपने फैसलों के आगे कई बार तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। आज ही के दिन 1983 में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने पोलैंड के सोलिडेरिटी के संस्थापक और नेता लेच वालेसा से निजी मुलाकात की थी। 1981 में पोलैंड में सामाजिक तनाव को देखते हुए मार्शल लॉ घोषित किया गया था और उसके बाद से ही सोलिडेरिटी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आज ही के दिन 1985 में एयर इंडिया का एक यात्री विमान आयरलैंड तट के करीब दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में विमान में सवार सभी 329 यात्री मारे गए थे। विमान में सवार ज्यादातर यात्री भारतीय मूल के थे और दिल्ली या मुंबई जाने वाले थे। आज ही के दिन 1992 में न्यूयॉर्क के सबसे बड़े माफिया परिवार के मुखिया जॉन गोत्ती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। टेफ्लॉन डॉन के नाम से मशहूर गोत्ती को धोखाधड़ी और हत्या के 5 मामलों में 2 अप्रैल 1992 को दोषी पाया गया था। आज ही के दिन 2011 में विधवाओं की परिस्थितियों को विशेष पहचान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस की घोषणा की थी। इस दिन विधवा महिलाओं की समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाया जाता है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।